राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 जनवरी को होने वाले चुनाव के बाद विधानसभा की तस्वीर पूरी हो जाएगी। वर्तमान में कांग्रेस के 99 विधायक है। भाजपा के लिए ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले एक साल में इस क्षेत्र में गाय को लेकर चली राजनीति से वोटों के ध्रुवीकरण की अधिकतम संभावनाएं हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस का खेल पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जगत सिंह इस सीट से बसपा के टिकट पर मैदान में है। एकमात्र मेव विधायक जाहिदा खान को मंत्री नहीं बनाए जाने से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मेव समाज नाराज है। वहीं दलित समाज फिलहाल बसपा के पक्ष में नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा में भाजपा विधायक रहे जगजीत सिंह को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस पर वे रामगढ़ सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा का विधानसभा चुनाव में अलवर और भरतपुर में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। 5 विधायक इस क्षेत्र से जीत कर आए हैं और इन दोनों जिलों में बसपा का वोट शेयर भी बढ़ा है। मायावती यहां 24 जनवरी को रैली करेगी और कांग्रेस ने आधा दर्जन मंत्रियों को चुनाव अभियान के लिए तैनात किया है।